Hello everyone, welcome to DSL classes. I am your mentor Sandhya Rai, and as you know, आप मेरी videos देखते हो यदि तो आप जानते हो मुझे 30 years से ज़्यादा experience हो गया है board classes पढ़ाते हुए. तो आज मैं ये video में आपसे practical से related बात करने वाली हूँ. कोई थ्योरी का चैप्टर नहीं रिवाइज करा रही ना ब्रीफिंग कर रही हूँ. नाउ आई विल टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम एंड कैसे होगा आपके स्कूल में. ये बड़ा क्वेरीज हैं बच्चों की और क्वेश्चन आते रहते हैं मेरे पास कि हम पेपर कैसे देंगे, हमारा पेपर कैसे होगा. 11 12th का तो क्राइटेरिया होता ही है, एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है 12th में, लेकिन हमारा कैसे होगा, हमारे 20 मार्क्स का कैसे हमारे गेन होंगे. तो आज हम चलिए इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि 80 मार्क्स का तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होता है कि आपको चैप्टर्स रेडी करने हैं, उसमें से 30% आपका कट ऑफ हो चुका है. लेकिन प्रैक्टिकल का सिलेबस भी शायद टीचर्स ने आपको दे दिया होगा, लेकिन ये नहीं पता होता कि उसको हम तैयार कैसे करें. ठीक है, ये स्कूल में होगा कैसे ये हमें नहीं समझ आता 10th क्लास के लेवल पर. तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. देखो बेटा, सीबीएसई ने जो क्लास 10th का जो यूनिट वाइज वेटेज दिया है वो ये सारा है. ये आपके पास होगा नेचुरली, केमिकल सब्सटेंस, वर्ड ऑफ लिविंग, ये चैप्टर वाइज सारा डिस्ट्रीब्यूशन है. जिसके पास ना हो वो यहाँ से नोट कर सकता है. ये सारा मिलाकर आपका हो जाता है 80 मार्क्स का. और इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट देना होता है 20 मार्क्स का. तब मिलाकर आपका टोटल ग्रैंड टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स फॉर द साइंस. ये तो आप सबको आई थिंक पता होगा, जिसे नहीं पता वो अपने पास नोट कर ले इसे. देन हम बात कर रहे हैं मेन की आपका इंटरनल इवेल्युएशन का डिस्ट्रीब्यूशन या मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी, इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा. अब इंटरनल का मतलब क्या है कि बोर्ड से कोई कुछ नहीं, एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आने वाला, लेकिन ऑब्जर्वेशन जरूर बोर्ड से रहती है. बोर्ड से कोई ना कोई ऑब्जर्वेटरी, एक मीटिंग होती, एक उनकी सेटिंग होती है, पूरा सेट बना हुआ होता है, पर्संस का कमेटी बनी हुई होती है. वहां से ऑब्जर्वेशन के लिए जरूर आते हैं, देखने के लिए आपका कि प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट हो रहा है या नहीं हुआ, मार्क्स सही से दिए गए हैं या नहीं दिए गए. तो उस ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इंटरनल तो है कहने के लिए कि इंटरनल है, लेकिन आपको ऑब्जर्व जरूर किया जाएगा बोर्ड की तरफ से. सेकेंड, इनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. जैसे आपके PT1 PT2 हुए होंगे या 3 हुए होंगे, उनमें से बेस्ट 2 लिए गए होंगे स्कूल की तरफ से, तो 5-5 नंबर का तो आपका PT1 PT2 हो ही गया होगा. देन इसके बाद प्रैक्टिकल वर्क जो है आपका लैब में जो आप सीखते हैं उसको देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, 5 नंबर उसके होते हैं. एंड आपका जो प्रैक्टिकल फाइल आपकी बनी होगी या नहीं बनी है तो जरूर बननी है, अभी बनानी होगी, जरूर बन चुका होगा. वैसे तो सारा काम अभी तक हो चुका होगा क्योंकि अब तो मार्क्स जाने हैं सब. तो वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल जो है वो 5 नंबर की होती है. ये मिला के सारा हो जाता है 20 मार्क्स का. अब आते हैं हम कि साइंस जो लैब में हम काम करते हैं उसकी फाइल हम कैसे बनाएं. कईयों को अभी तक पता ही नहीं होगा कि हमें लैब मैनुअल भी बनानी है. तो लैब मैनुअल के ही 5 मार्क्स हैं आपके बनाने के, उसके साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वाइवा क्वेश्चन पूछेंगे टीचर्स आपसे स्कूल में, वो फाइल मंगाई जाएगी और उससे रिलेटेड आपसे 5-10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे वाइवा के. वो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वाइवा का ही एक आपको क्वेश्चन का देने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो वो पूछ सकते हैं, वो आप लर्न कर लीजिएगा. एंड साथ साथ लैब फाइल आप अपनी मेंटेन कर लीजिए, जिसमें एम, थ्योरी, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रिजल्ट डिस्कशन एंड प्रिकॉशन, ये सारे पॉइंट हर प्रैक्टिकल के होने चाहिए. इस टाइप से आप हर प्रैक्टिकल का पूरा डिटेलिंग देंगे उस फाइल में. और कई बार स्कूल वाले अपनी तरफ से स्कूल की मेंटेन करवा देते हैं और वही आपको दे देते हैं, नहीं तो वो कहते हैं कि बाहर से आप भी इस नाम की खरीद लो और उसमें मेंटेन कर लो. तो इट डिपेंड्स, स्कूल टू स्कूल वैरी करता है. तो आप वैसे एक फाइल बनाइए जो टीचर ने, ये इसमें भी 30% डिडक्ट हुआ है प्रैक्टिकल, तो वो आप छोड़कर बाकी सारे प्रैक्टिकल 1 by 1 इन पॉइंट्स पर मेंटेन कर लीजिए अच्छे से डायग्राम के साथ. तो ये यदि फाइल पूरी अच्छे से मेंटेन कर लेते हो एंड
थोड़े से क्वेश्चन मेरे वाले जो मैं बताऊंगी उनको याद कर लोगे तो आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। अब लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट की यदि मैं केमिस्ट्री में बात करूं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का ही गाइड कर रही हूं आपको फिर अभी, और यदि आप कहेंगे, आप कमेंट लिख कर देंगे, तो मैं बायो और फिजिक्स के भी आपको बता दूंगी। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ केमिस्ट्री पार्ट से। तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की यदि मैं बात करूं तो 30% डिडक्ट हुआ है एक्सपेरिमेंट पार्ट, जिसमें एक तो आपको ये डिडक्शन वाले लिए ये आपको करने ही है। यदि टीचर ने नहीं किया कराया है तो आप डिमांड करिए कि कराए जाए, आपको दिखाया जाए। आप करेंगे नहीं वहां पर अपने हाथ से, लेकिन आपको डेमोन्स्ट्रेशन होगा इस प्रैक्टिकल का चैप्टर वाइज। तो एक तो एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज का आपको प्रैक्टिकल करना ही है, किस किस बेस पर, लिटमस सॉल्यूशन, जिंक मेटल के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। दूसरा, आपको इन सारी रिएक्शंस को क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस का प्रैक्टिकल आपको करना है। एंड तीसरा, आपको इन सब मेटल्स को भी की ऑब्जर्वेशन करनी है, इन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके देखना है और उनको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन मेटल्स को, ठीक है। तो ये सारे तीनों प्रैक्टिकल्स आपको केमिस्ट्री में करने हैं जरूर। बाकी 2-3 प्रैक्टिकल्स जो है वो कट हो गए हैं, जैसे सोप वाला ना थ्योरी में आएगा ना प्रैक्टिकल आएगा, इथेनॉल वाला प्रैक्टिकल भी नहीं आने वाला क्योंकि वो भी थ्योरी में से भी कट हो गया, तो वो भी नहीं कराया जाएगा। तो ये 3 प्रैक्टिकल ही आपकी प्रैक्टिकल फाइल में जरूर लिखे हुए होने चाहिए। किन पॉइंट्स के बेस पर, इन सारे पॉइंट्स के बेस पर आप इन्हें लिख लीजिए और प्रैक्टिकल फाइल रेडी कर लीजिए। तो आपके वाइवा के साथ ये फाइल जब जमा होगी वाइवा देते हुए, तो आपके ये 5 नंबर भी यहाँ पर कम्प्लीटली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके इस टाइप से 20 मार्क्स जो है वो पूरे हो जाते हैं। 5-10 नंबर तो आप गेन कर चुके होंगे PT1 PT2 में, आई थिंक आपने अच्छे से दिए होंगे अपने जो टेस्ट हैं। बाकी रह गया प्रैक्टिकल वर्क, तो वो मैं आपको बता ही रही हूँ। इसमें 3 प्रैक्टिकल ही आपको केमिस्ट्री के रेडी करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके वाइवा वॉइस के बारे में कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस रेडी कर लेने चाहिए जो कि आपका टीचर पूछेगा फाइल लेते हुए, और यदि आपने आंसर सही दिए, ठीक बताए, तो वो आपको पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब आप जब तक फाइल बना के रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वाइवा के क्वेश्चन भी बताने वाली हूँ। और यदि आप चाहते हो कि आपके बायो के और फिजिक्स के बारे में भी मैं इसी टाइप से डिस्कस करूं तो जरूर बताइएगा, मैं जरूर बनाऊंगी। चलिए अब हम थोड़ा सा अनअकैडमिक के क्रिएटिव कॉर्नर की बात करते हैं। ये तो हो गई अकेडमिक पार्ट, तो अब हम थोड़ा सा क्रिएटिव पार्ट की बात भी करते हैं, क्योंकि तो क्रिएटिव पार्ट तो होना बहुत जरूरी है, हर एक के अंदर होता ही है, और उसको हमें एक उस स्किल को मेंटेन भी करना चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें समझ आता है कि हमारे अंदर भी आर्टिस्ट, मैजिशियन, कोई ना कोई छोटा सा क्यूरियस बच्चा जो है वो बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, जो कि साइंटिस्ट की फॉर्म में हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। चाहे वो आर्ट वाले बच्चे हों तो उनके अंदर भी कोई साइंस का छोटा सा क्यूरियसिटी हमेशा रहती है साइंस वालों की तरह, और यदि वो साइंस का है तो उनके अंदर भी कोई क्रिएटिव ड्रॉइंग वाला स्किल भी जरूर होगा। तो इन्हें हमें जरूर डेवलप करना चाहिए क्योंकि ये एक टाइम की डिमांड भी है, एंड साथ साथ ये हमारी जो नेचर को हमें कूल रखता है। जब भी हमें कहीं गुस्सा आ रहा हो, फ्रस्ट्रेशन आ रही हो, यदि हम अपने स्किल पर काम करने लग जाए, हम अपनी हॉबी पर काम करने लग जाए, जैसे किसी को गाना सुनना अच्छा लगता हो या गाना गाना अच्छा लगता हो और उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रही हो, वो वही काम करने लग जाए, सॉन्ग सुनने लग जाए, तो उसे बड़ा चेंज हो जाता है, एकदम मूड बदल जाता है। तो जरूर करिए, अपनी अपने अंदर देखिए आपके अंदर कौन सी स्किल है जिसे आप डेवलप करके आप उसे और निखार सकते हो। तो अनअकैडमी इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा चांस दे रहा है, क्रिएटिव कॉर्नर लेके आए हैं। कब होने वाला है ये? 31 जनवरी को होने वाले हैं। वहाँ के बहुत अच्छे एडुकेटर्स आपको गाइड करेंगे। आपके अंदर यदि वो स्किल है तो आप उसे ग्रूम कर सकते हैं एंड ब्रशअप कर सकते हैं, और नहीं है तो ढूंढिए और उसे डेवलप करिए। 9 बजे से शुरू होगा ये 31 जनवरी को, एंड टोटली इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है, अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी है और लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी वहां से लॉगिन करना है एंड गोल सेलेक्ट करना है, ये है आपका क्रिएटिव कॉर्नर, एंड उसको सेलेक्ट करके आप, यदि आप फर्स्ट टाइम वहां कर रहे हो तो अनलॉक नहीं होगा, उसे करना पड़ेगा अनलॉक।
वो करेंगे आप विद द हेल्प ऑफ डीएसएल क्लासेस इन वाइट कोड, और जब एक बार कर लेंगे देन वो जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो वो अपने आप ही अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जरूर ज्वाइन करना है आपको, और अपनी किसी ना किसी क्रिएटिव स्किल को वहां पर अच्छे एजुकेटर्स के साथ, अमेजिंग एजुकेटर्स के साथ आपको ब्रश अप करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाइवा की बात करेंगे, वाइवा क्वेश्चंस बताऊंगी आपको मैं केमिस्ट्री के, प्रैक्टिकल्स के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन।